चलो क्वेश्चन अगर हम तुलक से पूछते हैं पूछिए। कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, ये आर्यन बताएगा। थिंग्स वी डू इन आवर लाइफ टू टू सस्टेन आवर लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अच्छा तुम करते हो ना सर, बुक में डेफिनेशन है अपने से बुक में लिखा है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस बता बता दे सर। ऑल दोस प्रोसेस लाइफ में मतलब तरक्की। अच्छा ये तुम्हारा एवोल्यूशन मतलब खाली गौतम ही अडानी का लाइफ प्रोसेस हो रहा, हम लोग नहीं हो रहा। एलन मस्क का लाइफ प्रोसेस हो रहा है ना। लिखो ऑल दोस प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म, ऑल दोस प्रोसेस
बोलो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस प्रोटीन मसल के मॉडल में एकदम टाइम लगे तब बोला था 3 दिन में 2 दिन में बायोलॉजी को बुके खत्म हो जाएगा ना है कि नहीं लगेगा एक दिन में नहीं होगा बोले आप एक दिन नहीं होगा गारंटी है इतना टीम में नहीं होगा गारंटी है हम बोला था हो जाएगा बुला देंगे लेकिन मजा नहीं आएगा टीम में लाइफ प्रोसेस का लाइफ प्रोसेस का इन विच अच्छा तुम जिंदा है प्रोसेस है चल रहा प्रोसेस है अब पार एक प्रोसेस नहीं है समाधि प्रोसेस होता लेकिन तुम नहीं कर पाता बात में सही बात है कौन सा प्रोसेस नहीं करता क्यों जी है अनिल ने ये सप्लाईज मत लिखो ग्रैंड नहीं करना चाहिए और आपने जरूर पढ़ के तब बोलेंगे कहाँ है सुनो उनका अंदर से
सुनो सुनो, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जितना है, सुनो भाई, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जितना है सबको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबको नहीं मतलब बहुत सारा है, मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब एक तरह उल्टा बोलना चाहे, सुनो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सुनो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम खा सकते हैं उसमें कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन। हम लोग कार्बन खा सकते हैं, समझा? सिर्फ कार्बन ही खा सकते हैं। अरे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है सही है। इसीलिए हम लोग का लाइफ इस पे डिपेंड करता है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। हम लोग शरीर भी कार्बन से बना है, हम लोग जो भी खा रहे सब कार्बन ही है, सही है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है सही है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेस टू ऑर्गेनाइज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, बोल पाएगा ना? ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन बेस्ड फूड सोर्सेस, डिपेंड करता है। ऑर्गेनिज्म हैव एडॉप्टेड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस, मतलब हर कोई अपना अपना तरीका से। मैं क्या बोला प्रिंसिपल? अभी क्या समझाएं, वही बात को अंग्रेजी में बोला है, अंग्रेजी मैटर नहीं करता। मतलब कार्बन, हम लोग का शरीर बना है कार्बन से, हम लोग खाएंगे भी कार्बन। क्या खाएंगे? कार्बन। खाली कार्बन नहीं खाली कार्बन नहीं, कार्बन से बना हुआ जो भी सामान है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना है, ऑर्गेनिक मतलब जो डिकम्पोज कंप्लीटली हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं? जो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा, जितना भी कंप्लीटली डिकम्पोज हो उससे जिसको खा पाएगा, प्लास्टिक खा लेगा नहीं, खाता प्लास्टिक नहीं खा सकेगा, बता दे ठीक है, कुरकुरे मत खाया जाना, ठीक है पता नहीं हम कुरकुरे का ब्रांडिंग तो हम करने आए, ठीक है मिटा दे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ बताओ? व्हाट इज ग्रोथ? बच्चा है, बच्चा वाला सवाल करते जाएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बायोलॉजी पूरा बच्चा है, मान लो मैं तो लोग झूठा हमसे पढ़वा रहा, आपने पढ़ लेता
डैमेज्ड टिश्यू। मामू जी तो बोलता है क्या कुछ चलते क्या नहीं तो, लेकिन साफ साफ नहीं लिखा है, पता ऐसे करें नंबर कट जाएगा, पांच नंबर काटेगा बोले, हाँ बोले पांच नंबर काटेगा, मजा नहीं कर रहे, पांच नंबर, पांच नंबर काटेगा तो सौ नंबर सब मच हो जाएगा। किस बात में लगने का? साइंस में। ऐसे क्यों? पैटी खराब हो Uniform release of energy
for uniform release of energy at cellular level. कोई बता सकता, समझा सकता है कि समझा दे? Respiration is a process, is a life process. इसमें क्या होता है? Which involve the breakdown of large molecules. मतलब क्या होता है? बड़ा molecules का क्या होता है? टूटता है, याद है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ पे रेस्पिरेशन ड्यूरिंग ऑक्सीजन. अरे बोला इन इन द प्रोसेस मतलब ऑक्सीजन ले रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी. अरे याद आया इन ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूनिफॉर्म रिलीज. ओ यूनिफॉर्म रिलीज मतलब रेगुलर एक जैसा. अभी नहीं कि भाई मान लो 10 किलो जूल दिए, 5 किलो जूल, 2 किलो जूल, फिर 5 किलो, 15 किलो जूल, फिर 10 किलो, ऐसे नहीं 10 किलो जूल है तो चलते जाएगा. यूनिफॉर्म रिलीज ऑफ एनर्जी एट सेलुलर लेवल, समझ में? ठीक है, क्या है? अच्छा आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी आर वेरिड. इसमें आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी जो क्या होता है, अलग अलग होता है. क्या होता है? अलग अलग होता है. इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्या रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल में है? क्या हम तुम चाहे सांस मतलब रोके एक महीना तक जिंदा रह जाएगा? एक महीना तक टक से छो मौत छुपे वापस आ जाएगा ना. लाखों प्रैक्टिस कर तभी 10 मिनट भी नहीं सो सके, 5 मिनट भी नहीं रोक सके. हम लोग लेते तो फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी. सात दिन इज इट नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म. समटाइम्स एनर्जी इज अवेलेबल इन अबंडेंस एट अदर टाइम्स इट मे नॉट बी अवेलेबल. To ensure the uniform availability of energy, the body has developed its own mechanism. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाँ देख करता ही आ जाता. ये कुछ ये तो समझ सुन जाए. यहाँ पर body पास क्या है? The body has own mechanism. अपना खुद का mechanism. To regular uniformly or regularly uniform supply of energy. The body has own mechanism to regular supply of energy. Hence the food intaken is utilized as a source of energy. जो हम लोग खाना खा रहे वो भी क्या होता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी को लिया जाता है. ठीक है, एनर्जी का सोर्स मिल जाता है. ठीक, चिंता मत करो उसका. ऐसे तो हो ही जाता है, खाना मत खा ही जाता है. दवा का हल्का दवा लगा तो चिकन में कौन दवा लगा? चिकन चिकन दवा है ना तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन chemical process that break down on larger molecules into smaller molecules. तो कुछ नहीं, simple. इसका example कैसा हो गया? Oxidation and reduction. तो दिखा देगा आपने. अरे मेरे बात तो सुनो. Oxidation और reduction में क्या होता है? Oxidation में addition of oxygen, reduction में removal of removal of oxygen या फिर addition of hydrogen. ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बड़ा सा जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है, टूट के छोटा हो जाता है. याद है एक तो रिएक्शन दिखाए थे, ओवरऑल रिएक्शन. हाँ हाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पीछे चेक करो. हाँ समझा? तो वो क्या करता है, क्या करता है, वो बड़ा मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटा मॉलिक्यूल्स का प्रॉब्लम क्या करता है, बना देता है. सर वो हमारा क्या एग्जाम्पल है, रेस्पिरेशन. कौन सा कैसा कैसा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. रिडक्शन
दोनों मिलकर क्या बनता पता है, रोटी रिडॉक्स, पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? दोनों मिलकर क्या बन जाता है, रिडॉक्स। क्या बन जाता है? रिडॉक्स, आरईडी, रिडक्शन, ओएक्स से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स। लाल गैस, लाल गैस, लाल बाइल, ठीक है ना? लिखो एक याद रखना बात में, ये रिएक्शन होने के लिए किसका जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन। नहीं, ये रेस्पिरेशन होने, रेस्पिरेशन के लिए किसका जरूरी है, ऑक्सीजन। बोल गया बस, रिविजन करने से बोल गया बस, छटपटा। ऑक्सीडेशन का रिएक्शन क्या बोला था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कितना बार होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। द बेसिक नीड, द ऑक्सीजन इज द बेसिक नीड, द ऑक्सीजन इज द बेसिक नीड ऑफ, नीड फॉर रेस्पिरेशन। बोलो हाँ या ना, झूठो हम बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो हेडिंग ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। कैसे सर, अभी तो आप कुछ बताए नहीं। अरे डिटेल में पढ़ेंगे रुको, बहुत डिटेल में आएगा रुको, डोंट वरी। अभी सर इंट्रोडक्शन खत्म ही हुआ। कौन बुला रहा है, क्या है सर बुला रहे हैं, आते ही नहीं है। अरे क्या बोल रहे थे।